पैरागॉन फुटवेयर ये वो कंपनी है जिसकी एक या दो जोड़ी चप्पल हमको भारत के हर एक घर में देखने को मिल जाएगी। जिस दौर में भारतीय लोग विदेशी कंपनी बाटा को देसी मानकर एक्सेप्ट कर चुके थे और बाटा का इंडियन फुटवेयर मार्केट में एक तरफा दबदबा था, उस दौर में एक छोटे से गैरेज से पैरागॉन की शुरुआत हुई। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये कंपनी बाटा जैसी बड़ी कंपनी का कॉम्पिटिटर बन जाएगी। लेकिन पैरागॉन के फाउंडर्स ने अपनी मेहनत के बल पर वो कर दिखाया जिसकी किसी ने भी उनसे उम्मीद नहीं की थी। तो क्या है पैरागॉन की कामयाबी की पूरी कहानी, कैसे हुई थी इस कंपनी की शुरुआत और कैसे आज पैरागॉन घर घर की पहचान बना हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। ड्यूरिंग 1970s इंडियन मार्केट विदेशी कंपनियों के लिए ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, क्योंकि सरकार के एक नए नियम के हिसाब से अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में तभी अपना बिजनेस कर सकती थी जब वो किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करे। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद कई बड़ी बड़ी विदेशी कंपनीज इंडियन मार्केट से निकल गई। विदेशी कंपनियों के जाने के बाद में मार्केट में जो जगह खाली हुई थी उसे भरने के लिए कई सारी देशी कंपनियों की शुरुआत हुई और पैरागॉन फुटवेयर कंपनी भी उसी दौर की कंपनी है। पैरागॉन फुटवेयर की शुरुआत 1975 में केरला के कोटायम में हुई थी। इसकी शुरुआत केयू थॉमस ने अपने भाई केयू स्कारिया और ब्रदर इन लॉ पीवी अब्राहम के साथ मिलकर की थी। देखिए दोस्तों, उस दौर में ज्यादातर फुटवेयर कंपनीज अपना सारा ध्यान लेदर प्रोडक्ट्स पे देती थी जो दिखने में तो शानदार होते थे लेकिन हर एक के लिए अफोर्ड कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता था, साथ ही साथ में ज्यादा टिकाऊ भी नहीं हुआ करते थे। सो उस दौर में लोगों को एक ऐसे चप्पल की जरूरत थी जो अफोर्डेबल होने के साथ साथ टिकाऊ भी हो। तो पैरागॉन के फाउंडर्स ने लोगों की इसी जरूरत को समझा और रबर के मटेरियल से चप्पल बनाना शुरू किया। अब रबर से चप्पल क्यों बने ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए केरल में रबर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इनफैक्ट रबर प्रोडक्शन में केरल पूरे भारत में नंबर वन पर आता है। सो चप्पल बनाने के लिए इनको रॉ मटेरियल इजीली मिलने लग गया, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी मिनिमल था, इस वजह से इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम हुआ करता था और इसी वजह से ये अपने प्रोडक्ट को कम कीमत में बेच पाते थे। इसके अलावा दोस्तों इनको एक और बेनिफिट मिला। देखिए इनके जो पिताजी थे वो ऑलरेडी रॉ रबर का बिजनेस किया करते थे, अब इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो रबर से बने होने की वजह से ज्यादा टिकाऊ और अफोर्डेबल थे, साथ ही लेदर की तुलना में कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। और दोस्तों पैरागॉन चप्पल की यही खासियत लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। 1975 में जब कंपनी की शुरुआत हुई उस वक्त कंपनी का सारा ध्यान कोटायम और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट पर था। अब आपको जानकर हैरानी होगी, शुरुआत होने के तुरंत बाद ही इनके चप्पल हाथों हाथ बिकने लग गए। अब देखिए दोस्तों ये चीज तो आप खुद भी समझते होंगे, जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है तो उसके लिए शुरुआत में 1000 चप्पल महीने की बेच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन पैरागॉन की चप्पल लोगों को इतनी पसंद आई कि जो भी इसे देखता था वो तुरंत खरीद लेता था। इसी वजह से शुरुआत ही के कुछ दिनों बाद कंपनी रोजाना लगभग 1500 जोड़ी चप्पल का प्रोडक्शन करने लग गई थी, यानी कि महीने का लगभग 45,000 जोड़ियां बनाकर बेचने लग गई थी। शुरुआती सफलता मिलने के बाद पैरागॉन ने अपना बिजनेस और ज्यादा बढ़ाने का फैसला लिया। उसके बाद में सबसे पहले कोटायम से निकलकर पूरे केरल राज्य में अपनी पहचान बनाई और फिर केरल से आगे बढ़ते हुए पूरे साउथ इंडिया में बिजनेस को एक्सपांड करने का फैसला लिया। फिर 1982 में पैरागॉन ने तमिलनाडु में बिजनेस की शुरुआत की और उसके कुछ ही समय बाद ये कंपनी पूरे साउथ इंडिया के सभी स्टेट्स में फैल गई। नए स्टेट में नया कस्टमर बेस तैयार करने के लिए पैरागॉन ने अपने प्रोडक्ट रेंज को भी बढ़ाना शुरू किया। जहां पहले सिर्फ रबर के प्रोडक्ट्स बनाया करते थे उसके बाद में इन्होंने पॉलीयुरेथीन जिसे पीयू मटेरियल कहा जाता है और पीवीसी का भी इस्तेमाल करने लग गए जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, साथ ही ईवीए यानी कि एथिलीन विनाइल एसीटेट और थर्मोप्लास्टिक जैसे मटेरियल्स का भी इस्तेमाल करके फुटवेयर बनाने लग गए। इन सभी मटेरियल्स का इस्तेमाल पैरागॉन ने हवाई चप्पल बनाने के साथ साथ सैंडल और जूते बनाने के लिए भी शुरू कर दिया। कस्टमर्स की जरूरत को समझते हुए कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस कस्टमर के सामने पेश किए और इसके लिए कंपनी ने एक डिजाइन टीम भी बनाई जो कस्टमर्स की जरूरत के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट डिजाइन किया करती थी। पैरागॉन के पास अब हर ओकेशन के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे जैसे ऑफिस, स्कूल, पार्टी, रेगुलर वेयर, यानी कि पैरागॉन हर मौके के लिए जूते, चप्पल और सैंडल बनाने लग गई थी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने कुछ ऐसे ऑलराउंडर प्रोडक्ट भी बनाए थे जो लोग किसी भी ओकेशन में पहन सकते थे। दोस्तों लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने का जो काम पैरागॉन कर रही थी ठीक वैसे ही और भी कई सारी कंपनीज कर रही थी, लेकिन पैरागॉन उन सभी कंपनियों को पीछे छोड़कर आगे निकलने में कामयाब कैसे रही इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इनकी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी। देखिए ये अपने एड्स में इधर उधर की कोई भी बकवास ना करते हुए सीधे अपने प्रोडक्ट की खासियत बताया करते थे, मजबूत पीयू सोल के साथ, वो भी ह्यूमरस वे में। कंपनी अपना एड इतना इंटरेस्टिंग बनाती थी कि लोग उसे पूरा ध्यान से देखते थे और अंत में कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इस तरीके से पेश करती थी कि लोगों को लगता था कि अच्छा प्रोडक्ट है, जरूर खरीदना चाहिए। दूरदर्शन के जमाने में पैरागॉन की टैगलाइंस पैरागॉन पहन के चलो और चलते रहो लोगों की जुबान पे चढ़ गया था। इसके अलावा ऑफिस वाली चप्पल, स्कूल के बूट्स और मानसून की सैंडल जैसी लाइंस का इस्तेमाल करके भी कंपनी अपने सभी प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही। जब कंपनी का नाम बड़ा होने लगा तो आगे चलकर कंपनी ने बड़े फिल्म स्टार्स को अपना ब्रांड एंबेसडर
एम्बेसडर बनाया। कंपनी ने हर क्षेत्र में अपना अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जैसे कर्नाटका के लिए किच्चा सुदीप, तमिलनाडु के लिए समंथा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए महेश बाबू और हिंदी क्षेत्र के लिए ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कंपनी के एडवर्टाइजमेंट में स्टार भले ही बदलते रहे, लेकिन कंपनी का मैसेज हमेशा एक ही रहा, क्वालिटी क्वालिटी और क्वालिटी। दोस्तों, पैरागॉन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा मेंटेन किया करती थी और आज भी करती है, इसीलिए फुटवेयर कैटेगरी में लोग पैरागॉन को क्वालिटी का सिनोनिमस मानते हैं। देखिए दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट की मदद से नए कस्टमर्स पैरागॉन से जुड़ते चले गए, लेकिन उनको बांध के रखने का या फिर परमानेंट कस्टमर बनाने का काम किया क्वालिटी और मजबूती ने। उसके बाद में जब पैरागॉन के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लग गई, तब कंपनी को अलग अलग शहरों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एस्टैब्लिश करने पड़े। उसके बाद में वक्त के साथ जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खुलते गए और आज के टाइम में पैरागॉन के पास लगभग 24 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें से 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैंगलोर में है, 4 कोटायम में है, 4 हैदराबाद में है, 3 तमिलनाडु के सेलम में और 1 विजयवाड़ा में है। इन सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पर डे लगभग 400,000 फुटवेयर पेयर्स तैयार होते हैं, जो कि साल का लगभग 14 करोड़ होता है। तो दोस्तों, जिस पैरागॉन की शुरुआत सिर्फ एक सिंपल से हवाई चप्पल से हुई थी, आज के टाइम में वो पैरागॉन कंपनी लगभग 1500 अलग अलग डिजाइन के जूते, चप्पल और सैंडल बनाती है। आज के टाइम में फुटवेयर रेंज में शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसका प्रोडक्शन पैरागॉन कंपनी नहीं करती होगी। सेफ्टी शूज, कैजुअल स्लीपर, स्पोर्ट शूज और फॉर्मल शूज से लेकर फैशनेबल एंड एथनिक फुटवेयर तक सभी तरीके के प्रोडक्ट पैरागॉन बनाती है। पैरागॉन की कामयाबी की एक और बड़ी वजह यह भी है कि इनके सभी प्रोडक्ट आज भी रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, पैरागॉन के लगभग सभी प्रोडक्ट 1000 से नीचे की प्राइस में मिल जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पैरागॉन की सभी फैक्ट्रीज के पास इनहाउस इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जहां नए नए डिजाइन तैयार करने के अलावा क्वालिटी एंश्योर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर स्टेप की अच्छे से जांच की जाती है। यानी कि दोस्तों, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद में सबसे पहले उसकी जांच होती है, अगर सब कुछ सही हुआ तभी उसको मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पैरागॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनी भी है, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए जिन भी मटेरियल्स का इस्तेमाल करती है वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, फिर चाहे वो रबर हो या फिर पीवीसी, ईवीए या फिर पीयू मटेरियल क्यों ना हो, ये सभी वर्जिन पॉलीमर से बनाए जाते हैं और इनका प्रोडक्शन भी कंपनी अपनी फैक्ट्री में करती है। वैसे पैरागॉन की सभी फैक्ट्रीज को ISO 14001 और 2004 सर्टिफिकेट मिला हुआ है। दोस्तों, बदलते समय और बदलती जनरेशन के साथ साथ पैरागॉन कंपनी भी खुद को बदलती रही और अलग अलग जनरेशन के कस्टमर्स को टारगेट करते हुए पैरागॉन कंपनी ने कई सारे सब ब्रांड की शुरुआत भी की। फिलहाल इस कंपनी के पास लगभग 20 अलग अलग ब्रांड्स हैं, जिनमें से कुछ फेमस ब्रांड्स के नाम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। स्टिमुलस और इकेन जैसे ब्रांड्स की मदद से पैरागॉन कंपनी मिलेनियल्स और जेंजी को टारगेट करने की कोशिश करती है। अपने इन प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए पैरागॉन कंपनी कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ भी पार्टनरशिप कर चुकी है और पैरागॉन कंपनी सोशल मीडिया के इंपॉर्टेंस को समझती है, इसीलिए पैरागॉन के अकाउंट आपको लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों, स्टिमुलस को इंडिपेंडेंट यूथफुल फुटवेयर ब्रांड के रूप में प्रमोट करने के लिए 2019 में पैरागॉन ने #WatchYourStimulus नाम से एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया था। इस कैंपेन के जरिए कंपनी ने एक महीने तक सोशल मीडिया पे कई सारे कॉन्टेस्ट करवाए थे, जिनमें 3,00,000 रुपए तक का कैश प्राइज भी दिया था। इस कैंपेन के जरिए पैरागॉन के नए ब्रांड स्टिमुलस को अच्छी खासी पहचान मिली थी। अब दोस्तों, अगर हम पैरागॉन के बिजनेस स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 24 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ इस कंपनी के पूरे इंडिया के अंदर लगभग 17 बड़े गोदाम हैं। फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार हो जाने के बाद में उनको गोदामों में भेजा जाता है और उसके बाद में वहां से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेल शॉप तक पहुंचाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पैरागॉन के साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में 500 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इंडिया में अपने बिजनेस को जमाने के बाद में पैरागॉन ने विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। इस कंपनी के प्रोडक्ट कई सारे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, मॉरिशियस, दुबई, इटली, बांग्लादेश और कुछ अफ्रीकी देशों में भी। देखिए दोस्तों, कंपनी रबर फुटवेयर सेगमेंट में तो देश की नंबर वन कंपनी है ही, लेकिन अब कंपनी का टारगेट है कि वो हर एक सेगमेंट में देश की नंबर वन फुटवेयर कंपनी बने। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, नए जनरेशन के युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कंपनी ने अलग नाम से नए ब्रांड्स ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के बीच में अपनी पहचान बना रही है, साथ ही साथ में पुराने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए कंपनी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट और प्रिंट मीडिया का सहारा भी ले रही है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कंपनी किसी भी एक एज ग्रुप को टारगेट करने के बजाय बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, गांव में रहने वाले किसानों से लेकर ऑफिस जाने वाले शहरी लोगों तक हर किसी तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है और इसी कोशिश का नतीजा है कि भारी कंपटीशन के बावजूद भी पैरागॉन आज देश की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी में से एक बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी पैरागॉन की कामयाबी की कहानी। वैसे दोस्तों, पैरागॉन के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से उनको इंस्पिरेशन मिले और वो भी हमारे देश के अंदर एक बड़ा बिजनेस शुरू कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।